शनिवार को हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर बेतियाहाता स्थित हनुमान मंदिर में सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में मंदिर के पुजारी आचार्य राम नारायण त्रिपाठी ने बताया कि कलयुग में सर्व देवता हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। इस कलयुग में जन जन का कल्याण करने के लिए त्रेता में भगवान जब यहाँ से जाने लगे तब हनुमान जी के साथ के सभी भगवान यहाँ से चले गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। यह कहकर कि मैं यहीं पर रहूंगा, अयोध्या और सारे संसार की रक्षा करूंगा, इसीलिए हनुमान जी आज भी जीवंत रूप से हैं। हनुमान जन्मोत्सव के विषय में वर्णन किया गया है कि कार्तिक कट चतुर्दशी, चैत्र पूर्णिमा, इन दोनों दिनों को हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसीलिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं। इनका पूजन करने से सबका कल्याण होता है। उन्होंने बताया कि बेतियाहाता हनुमान मंदिर में मैं भगवान का श्रृंगार किया हूं और सुंदरकांड का पाठ का आयोजन किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हनुमान मंदिर के पुजारी आचार्य राम नारायण त्रिपाठी ने कहा, मेरा नाम राम नारायण त्रिपाठी, आचार्य राम नारायण त्रिपाठी से हनुमान मंदिर बेतियाहाता गोरखपुर। ये कलयुग में सर्व प्रधान देवता हनुमान जी साक्षात विराजमान हैं। इस कलयुग में जन जन का कल्याण करने के लिए भगवान त्रेता में भगवान जब यहाँ से जाने लगे तब हनुमान जी उनके साथ के सभी लोग गए, लेकिन हनुमान जी नहीं गए। यह करके क्योंकि मैं यहाँ पर रहूँगा और ये अयोध्या की और पूरे संसार की रक्षा करूँगा, इसलिए हनुमान जी आज भी जीवंत रूप से हैं। ये प्रत्यक्ष देवता हैं। ये पद्म पुराण में इनके जन्म किए विषय में विशेष रूप से वर्णन आता है कि ये कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तथा चैत्र पूर्णिमा, ये दो को हनुमान जी का जन्म माना जाता है, परंतु चैत्र पूर्णिमा को दक्षिण भारत में विशेष रूप जन जन में यह प्रसिद्ध है, वहाँ लोग इसको विशेष रूप से मनाते हैं। अब उत्तर भारत में भी मनाते हैं, परंतु यहाँ पर दोनों को मनाते हैं लोग, इसलिए हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और इनका स्तुति या पूजन करने से भगवान सबकी कल्याण रक्षा करते हैं, सबका कल्याण करते हैं, ये हमारी स्थिति है। मंदिर में किस तरह का कार्यक्रम था? आज बेतियाहाता से हनुमान मंदिर में भगवान का श्रृंगार किया गया और सुंदरकांड का पारायण पाठ हो रहा है तथा यहाँ पर सवामन लड्डू का भोग लगाया गया है और जो कि प्रसाद वितरण करेगा। 6:30 बजे आरती होगी और आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, तो उसके बाद लोग अपना प्रसाद लेते रहेंगे।